देश भर में दिवाली फेस्टिव सीजन की धूम जोरों पर है और सभी लोग इन तैयारियों में लगे हैं कि अपने त्यौहार को किस तरीके से खुशनुमा और अच्छा बनाया जा सके। वहीं अगर हम बात करें तो शक्तिनगर में एक ऐसी संस्था है जहां पर विशेष लोग मिलकर के घरों में सजाने वाले दिए और डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। आइए जानते हैं वो किस तरीके से विशेष है और कब से ये संस्था उनके साथ जुड़ी है। हमारे साथ उनकी एक सदस्य आई, उनसे जानते हैं, उनका परिचय के साथ मैम आपको शुरू करना चाहूँगी। आपका नाम? मैं डॉक्टर मधुमिता पुरी हूँ जी। और कुछ 35 साल पहले मैं चाहती थी कि जो व्यक्ति है, जो गरीब है और विकलांग भी है, उनको कुछ आमदनी का जरिया मिलना चाहिए, कह के मैंने ये काम शुरू किया। पढ़ाई लिखाई तो वो करे नहीं है ज़्यादा, इसलिए हाथ का काम सिखाते हैं, और वो भी वो चीज़ों के साथ जो बेकार घर से फेंक देते हैं वो हम पिकअप कर लेते हैं और उससे बनाते हैं। जो हमारा जो भी मटेरियल या आइटम्स बनते हैं सब उसी से ही, उसी तरह से जैसे कागज़ से बनते हैं। ये सुंदर दिया यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला ये कागज़ से बनी है। और हमारा दूसरे सदस्य जो है वो भी सुन बोल नहीं सकते शायद, मगर बहुत अच्छा आर्ट करते हैं। क्या होता है ना, लोग भूल जाते हैं, तो मैं अगर एक चीज़ नहीं आता तो और चीज़ तो आता ही है ना, तो वो जो आता है वो भूल जाते हैं, जो नहीं आता उसी को याद रखते हैं। तो हम वो जो नहीं आता है उसको फेंक देते हैं साइड में, और जो आता है उसको बढ़ावा। न्यूज़पेपर जो अखबार है वो न्यूज़पेपर हमारे कुछ ब्लाइंड सदस्य हैं वो इसका धागा बनाते हैं, और ये वाला पेपर मैशे के ऊपर ये न्यूज़पेपर का धागा चढ़ा देते हैं और एकदम यूनिक आइटम्स। वैसे तो दिया तो बहुत मिलता है मार्केट में, हमारा थोड़ा सा प्रयास होता है कि ज़रा हट के बनाएं ताकि लोगों को हमारे नज़र पड़े। अभी कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ जो ये सारी चीज़ें बनाते हैं? करीब 90 लोग जो ऐसे बनाते हैं। कुछ ब्लाइंड होंगे, कुछ फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे, कुछ मुकबधिर हैं, और कुछ मानसिक तौर से मेंटली रिटायर्ड जो बोलते हैं वो हैं। थोड़ा सा संस्थान का इतिहास बताते हुए कि जो सोसाइटी है यहाँ पे और किस तरीके की एक्टिविटीज़ होती हैं, और क्या और भी डिसेबल बच्चे हैं यहाँ पर, विशेष बच्चे? एक स्कूल है छोटे बच्चों के लिए। पहले तो ये बताओ कि सारे के सारे काम सिर्फ लो इनकम कम्युनिटीज़ के साथ होते हैं। जो अमीर इनकम के कम्युनिटीज़ हैं वो तो अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं, मगर ऐसे वर्ग के जो लोग, तो जब वो पहले आते हैं यहाँ पे उनके पास जानकारी नहीं होता, तो उनको बहुत कम थोड़ा सा एक मोटिवेशनल अमाउंट ऑफ मनी देते हैं, मोटिवेशनल। और फिर उस व्यक्ति पे डिपेंड करता है कितने तेज़ी से सीखता है, कितने अच्छी तरह से सीखता है, कितने सफाई से सीखता है। जैसे करता हर साल उनको इंक्रीमेंट मिलता है। जो हमारे मैनेजर्स हैं उनको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ही पैसे मिलते हैं। हमारी कोशिश यही है कि आप यहाँ हो, आपको फ़ायदा होना चाहिए, आपके फैमिली को फ़ायदा होना चाहिए, आपको कुछ ऐसा होना चाहिए जो आप कहें धन्य हम यहाँ आए। जी आपका नाम? जी हरीश महेश्वरी। हरीश जी, आप कितने वर्षों से इस संस्था के साथ जुड़े हैं और ये आप अपने हाथों से क्या बना रहे हैं? ये हम लोग ये जो होता है ये दिए का जो स्टैंड होता है, दिया स्टैंड है, इसमें जैसे अब ये सूख जाने के बाद इसमें जहाँ ये जो सुराख करके जो मोम भर के बनाया जाता है, तो वो दिया का जो मोमबत्ती मतलब एक तरह से मन के डी स्टैंड में भरा जाता है जी। तो कैसा जीवन है, अब परिवार में कितने लोग हैं आपके? हम लोग 4 लोग हैं जी। इससे पहले क्या क्या काम किए थे आपने? उससे पहले मैंने ट्रेनों में सामान बेचने का काम किया है, और उसके दौरान मैंने डोना पत्तल का काम भी किया है। अब यहाँ पर आकर के कैसा लग रहा है, ये जो आप मोमबत्ती बनाते हैं और स्टैंड बना रहे हैं इस तरीके से आराम से बैठ के? यहाँ आके हमें संतुष्ट हैं जी। हाँ जी, परिवार में बच्चे कमा रहे हैं या अभी छोटे हैं? नहीं, बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे। जी, मेरा नाम राम बाबू है, मैं यहाँ पे 14 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं पेपर में सीखे जो वर्क होते हैं सब करता हूँ, जैसे ये थाली वगैरह बनाना हो गया, और ये एनिमल्स हो गए, और मैं काफ़ी साल से यहाँ पे हूँ, 14 साल से काम कर रहा हूँ। और क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं तो दिवाली की तैयारी? जैसे एनिमल्स हो गया एलिफेंट हो गया, हिरन हो गए, और काऊ वगैरह हो गए। परिवार में कितने लोग हैं? मेरे परिवार में
अभी मेरी हाल फिलहाल शादी हुई है तो दो बेबी है मेरी छोटी छोटी, मेरी वाइफ है, मेरी मम्मी पापा है, एक बहन है। देखने के लिए कि पिताजी क्या कर रहे हैं? हाँ, एक दो बार आए हैं, पापा आए हैं।